नमस्कार, कॉटन कॉम्प्लेक्स मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज 31 दिसंबर, साल का आखिरी दिन। सबसे पहले आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। नए साल की शुभकामनाएं के साथ साथ हम नए साल के पहले हफ्ते में कॉटन कॉम्प्लेक्स के ऊपर वेबिनार लेके आ रहे हैं अकोशिया के साथ। इस वेबिनार में हम फंडामेंटल, टेक्निकल दोनों ही तरीके से कॉटन, कपास और कॉटन सीड ऑयल के ये तीनों का आउटलुक रखेंगे। आप सभी से निवेदन है, अगर आप रुचि रखते हैं कॉटन कॉम्प्लेक्स के अंदर तो नीचे दिए गए नंबर और लिंक पे रजिस्टर कर सकते हैं। कल के ट्रेड की बात करें तो कल के ट्रेड में हमने देखा कि कॉटन में 0.5% की तेजी, कपास में फ्लैट टू पॉजिटिव, जबकि कॉटन सीड ऑयल के बिल्कुल दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। टेक्निकली भी हमने देखा था कि 2020 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट है। जब तक प्राइसेस 2020 के ऊपर नहीं निकलता है, एक दायरे में रहने की एक उम्मीद थी, और कल बिल्कुल भी मार्केट दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। इंटरनेशनल में हम देखें तो 78 सेंट का लेवल क्रॉस कर चुका है, जिस ढंग से चाइना और यूएस के बीच में ट्रेड डील के तहत चाइना कंटिन्यू कॉटन बाइंग कर रहा है। ये कहीं ना कहीं सेंटिमेंट जनवरी मंथ में भी पॉजिटिव रखेगा। डोमेस्टिक मार्केट में भी हमने देखा कि कोल्ड वेव के चलते कंसर्न्स बने हुए हैं। नो डाउट ऑलमोस्ट सभी, अगर हम बात करें, अराइवल्स आ चुकी है, जिसके चलते मार्केट को ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं है, बट अभी भी सप्लाई शॉर्टेजेस रहने की उम्मीद है, जो प्राइसेस को कहीं ना कहीं सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। इन ऑल फंडामेंटल काफ़ी मजबूत है, टेक्निकल मजबूत है, और आने वाले कुछ सेशन में हम कॉटन कॉम्प्लेक्स में अच्छी तेजी देख पाएंगे। ऑलरेडी क्रॉप की डिटेल्स हमें मिल चुकी है कि जिस ढंग से 360 के मुकाबले 356 का ये प्रोडक्शन रहेगा, ये कहीं ना कहीं कॉटन कॉम्प्लेक्स को सपोर्ट करेगा। मीनवाइल नॉर्थ में दो चीज इंपॉर्टेंट है। पहला है व्हाइट फ्लाइज अटैक जो हुआ था, उसकी वजह से कुछ यील्ड में ड्रॉप आ सकती है। साथ में कोल्ड वेव के चलते गुजरात में कुछ डैमेजेस हम बोल सकते हैं, या थोड़ा सा सप्लाई में कंसर्न रहेगा, जो प्राइसेस को सपोर्ट कर सकता है। अब हम अगर टेक्निकल की बात करें तो जिस ढंग से हमने पहले भी कहा था कि कॉटन का स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रांग दिखा रहा है, और कॉटन के प्राइसेस में कल हमने अच्छी तेजी भी देखी। टेक्निकली 20,500 के ऊपर होल्ड होने पे हमें लगता है कि 20,650 का लेवल तोड़ते ही 20,900 तक के लेवल हम कॉटन में देख पाएंगे। चार्टिकली प्राइजेस 200 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इचिमिको क्लाउड के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बाकी स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव ही ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल कॉटन कॉम्प्लेक्स में आज आपको लेके ही काम करना है, जहाँ पे हम 20,550 के करीब ले सकते हैं, और अपसाइड में हम 20,850 से 20,900 तक का भी लेवल देख पाएंगे जनवरी वायदे में। वहीं कॉटन सीड ऑयल केक में जैसे कल हमने उम्मीद किया था, प्राइजेस 2020 का लेवल नहीं तोड़ पाया है। चार्टिकली अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो मार्केट एक थोड़ा बहुत पुल बैक दे सकता है, बट 1940 से 2020 का जो दायरा है, इसी दायरे में कॉटन कॉम्प्लेक्स ट्रेड करते हुए दिखाई दे सकते हैं। चार्टिकली भी अगर आप देखेंगे तो प्राइजेस बिल्कुल 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 50 के नीचे ट्रेड कर रहा है, इचिमिको क्लाउड के नीचे है। इसी को देखते हुए हमें लगता है कि 2020 का लेवल तोड़ने पे हम एक बड़ा उछाल देख पाएंगे, जो 2100-2120 तक का लेवल कॉटन सीड ऑयल केक में देखने मिल जाएगा। आज के सेशन के लिए बाय ऑन ड्रॉप शुड बी दी स्ट्रेटजी। 1960-65 के करीब हम कॉटन सीड ऑयल केक लेने की कोशिश करेंगे, या 2020 का लेवल तोड़ने पे ही हम बाइंग करके चलेंगे, जो 2080 से लेकर 2090 तक का लेवल दिखा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट टाइम टू टाइम लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।